गैब्रियल और गैब्रियला करीब दो दशकों से एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ी थे। वे एक छोटे से शहर में रहते थे और उनका एक किशोर बेटा था जिसका नाम वाल्मिर था। एक दूसरे के प्रति उनके प्यार के बावजूद उनके रिश्ते में दूरियों का एहसास होने लगा था। वाल्मिर, जो अपने माता पिता से ज्यादा समझदार था, इस बदलाव को महसूस कर चुका था और उनके निजी जीवन के बारे में भी उनसे अधिक जानता था। एक दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय गैब्रियल और गैब्रियला दोनों एक रहस्यमय अजनबी की ओर आकर्षित हो गए। वे नियमित रूप से बातचीत करने लगे और उस व्यक्ति की ओर खींचने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे असल में एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। इस अजनबी के साथ जुड़ाव ने उनके बीच के प्यार को फिर से जगाया, लेकिन साथ ही एक नई उलझन भी पैदा कर दी। वे अपनी वफादारी को तोड़े बिना अपने रिश्ते में फिर से जुनून कैसे पैदा कर सकते थे? यह फिल्म मिडलाइफ संकट की जटिलताओं को दिखाती है, जिसमें प्यार, बेवफाई और संचार के महत्व को समझाया गया है। वाल्मिर की नजर से हम उनके माता पिता की स्थिति की विडंबना को देखते हैं। जैसे जैसे वह अपनी उम्र के बदलावों का सामना करता है, उसे सच्चे रिश्तों की अहमियत समझ में आने लगती है। कहानी में अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव हैं। कुछ पल हंसी के तो कुछ दिल तोड़ने वाले हैं और कुछ में मोक्ष की झलक है। किरदार अच्छे से विकसित किए गए हैं और उनके साथ सहानुभूति महसूस होती है और अभिनय शानदार है। यह फिल्म एक विचारोत्तेजक और मनोरंजक सिनेमा अनुभव प्रदान करती है। फिल्म का एक मुख्य संदेश खुले संचार की आवश्यकता है। गैब्रियल और गैब्रियला का रिश्ता इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि वे अपने सच्चे भाव व्यक्त करने से डरते हैं। जब वे खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं तो वे अपनी समस्याओं को हल कर पाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को फिर से पा लेते हैं। फिल्म में भावनात्मक बेवफाई के खतरों को भी उजागर किया गया है। गैब्रियल और गैब्रियला शारीरिक रूप से कभी धोखा नहीं देते, लेकिन उस अजनबी के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव उनके रिश्ते में दरार पैदा कर देता है। यह याद दिलाता है कि भावनात्मक बेवफाई भी गंभीर परिणाम दे सकती है। आखिरकार हेलो, हाउ आर यू, प्यार, खोने और मोक्ष की कहानी है। यह एक ऐसी फिल्म है जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, जब तक अंतिम क्रेडिट नहीं चले जाते।